हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 31 अगस्त 2021 और आज की इस वीडियो हम लोग 31 अगस्त के दैनिक रोजगार समाचार को देखेंगे। यहाँ पे आप लोग मुख्य खबरें देख सकते हैं। इन सभी खबरों को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है 18 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, उसके बाद विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियाँ हैं, सभी भर्तियों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद सभी मदरसों में जो है 1 सितंबर से होगी पढ़ाई। उसके बाद टोक्यो में दिलाए रजत भाविना और निषाद ने। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या बीएड में 100 से जिनका कम नंबर आया है क्या उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, और भी मुख्य खबरें हैं। चलिए सभी खबरों को देखते हैं। अगर आप लोग डेली में एजुकेशनल न्यूज पाना चाहते हैं डेली, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहली खबर है कि यूपी बोर्ड 3 सप्ताह की तैयारी में अंक सुधार की परीक्षा देंगे छात्र। आवेदन की अंतिम तारीख बीती और परीक्षा जो है 18 सितंबर से। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है समाप्त हो गई है। परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के मध्य संपन्न होगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र सिर्फ 3 सप्ताह की तैयारी में अंक सुधार परीक्षा देंगे। हालांकि ग्रीवांश सेल में अंक सुधार के लिए आई शिकायतों की तुलना में परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों की संख्या कम बताई जा रही है। हालांकि अभी यूपी बोर्ड की ओर से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने विद्यार्थियों ने अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन किया है। आगे देख सकते हैं, यूपी बोर्ड की ओर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षाफल 31 जुलाई को घोषित किया गया था। परीक्षा परिणाम के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने बोर्ड के फार्मूले पर आपत्ति जताते हुए कम नंबर मिलने का आरोप लगाया था। यूपी बोर्ड ने विद्यार्थियों के परीक्षाफल से जुड़ी खामियों को दूर करने के लिए ग्रीवांश सेल और ऑनलाइन माध्यम से शिकायत ली थी। बाद में बोर्ड में अंक सुधार परीक्षा कराने का निर्णय लिया। बोर्ड की ओर से इसके लिए 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। ठीक है, ये जो अभी यूपी बोर्ड का जो है रिजल्ट आया था इंटरमीडिएट का और हाई स्कूल का प्रमोट वाला, उससे जो लोग संतुष्ट नहीं थे तो फिर से वो जो हैं फॉर्म भरे थे और उनकी जो है परीक्षाएं जो हैं स्टार्ट हो रही हैं 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के मध्य। अगली खबर देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विभिन्न पदों पर भर्तियाँ हैं, जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सहित पदों पर अवसर है। कहाँ पे? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में पदों का विवरण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और सहायक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन रिसर्च एसोसिएट JRF आदि पदों की संख्या टोटल 237 और आयु सीमा इसमें 35-40-50 वर्ष, यानी कि हर पद की जो है अलग अलग आयु इसमें ली गई है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यताएं इसमें जो है 10वीं पास हो गया और यहाँ पे यानी कि हर पद में अलग अलग योग्यता मांगी गई है। आवेदन की अंतिम तारीख है 13 सितंबर। ठीक है, उसके बाद है डिप्लोमा ट्रेनी की विभिन्न रिक्तियाँ। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में पदों का विवरण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी यानी कि इलेक्ट्रिकल्स ऑफ सिविल ट्रेड में आवेदक युवा और डायनेमिक प्रोफेशनल को वरीयता मिलेगी। पदों की संख्या टोटल 26 और आयु सीमा इसमें अधिकतम 27 वर्ग होनी चाहिए। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यताएं इसमें उम्मीदवार के पास इन पदों पर आवेदन करने के लिए निर्धारित विषय ट्रेड में पूर्णकालिक 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं अन्य निर्धारित पात्रताएँ होनी चाहिए। आवेदन शुल्क है इसका 300 रुपये और आवेदन की अंतिम तिथि है 18 सितंबर। उसके बाद टेक्निकल ग्रुप बी और सी के पदों पर बम्पर भर्ती असम राइफल्स भर्ती रैली में। ठीक है, टेक्निकल और ट्रेड्समैन यानी कि ग्रुप बी और सी आयु सीमा विज्ञप्ति के अनुसार जो है निर्धारित होगी। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए जो है इसमें निःशुल्क है और इसमें 10वीं 12वीं पात्रताएं इसमें ली गई है। आवेदन प्रारंभ होने की तारीख है 11 सितंबर से और ये जो है sarkaririzalt.com में भी इसको दे दिया गया है और तिथि जो अंतिम होगी वो होगी 25। ठीक है, ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पद पर रिक्त हैं। कहाँ पे? जबलपुर में। ठीक है, पदों की कुल संख्या है 22। ओके, आवेदन शुल्क है 922 रुपये। उसके बाद BHU में जो है कल से चलेंगी कक्षाएं। यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम चरण में तैयारियां। UG PG अंतिम वर्ष के छात्रों को मिलेगा छात्रावास। कोरोना काल में बंद चल रही BHU की कक्षाएँ 1 सितंबर से शुरू हो रही हैं। इसको लेकर संकायों विभागों में तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। फिलहाल UG PG अंतिम वर्ष के छात्रों की हाइब्रिड ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से कक्षाएं चलाई जाएंगी। इसके अलावा UG PG के साथ ही शोध छात्रों को छात्रावास का आवंटन भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय में 23 अगस्त को कार्यवाहक
कुलपति प्रो वीके शुक्ल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से कक्षाओं के चलाए जाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से ही कला संकाय, विज्ञान और कृषि विज्ञान संस्थान, वाणिज्य संकाय सहित अन्य संख्याओं में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विभिन्न स्तर पर अंतिम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं चलाने के लिए समय सारणी, शिक्षकों को जिम्मेदारी दिए जाने सहित अन्य औपचारिकताएं भी अंतिम चरण में हैं। मंगलवार को तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा एंड विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए छात्रावासों में फिलहाल सिंगल रूम आवंटित किया जाएगा। उधर छात्रों की सुविधा के लिए सेंट्रल और साइबर लाइब्रेरी को भी पूरी क्षमता से चलाया जाएगा। परिसर में चलने वाले मैत्री जल पान ग्रह को भी 1 सितंबर से चलाया जाएगा। ओके, उसके बाद 1 सितंबर से सभी मदरसों में शुरू होगी पढ़ाई। यहाँ पे देख सकते हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने रविवार को प्रदेश के सभी मदरसों में 1 सितंबर से पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदी विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं अन्य बोर्ड के अधीन विद्यालयों में जो है कक्षा 6 से 8 तक शिक्षण कार्य 23 अगस्त से शुरू हो चुका है। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 1 सितंबर से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद टोक्यो में भाविना और निषाद ने दिलाए रजत। यहाँ पर देख सकते हैं पैरालंपिक चक्का फेंक में विनोद के कांस्य पर प्रतिद्वंदी के विरोध में के बाद जो है आज होगा निर्णय। यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं भाविना बेन पटेल और ये हैं निषाद कुमार। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, अच्छे से इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की खबर है डीयू आवेदन की तिथि जो है आज है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है आवेदन की अंतिम तिथि आज है। नहीं बढ़ाया जाएगा आवेदन का समय। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ भी यूजी पीजी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है आज तक फॉर्म भर सकते हैं, इसके बाद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 11:59 तक आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद की खबर है ऑलराउंडर स्टुअर्ट ने प्रथम श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिंदी ने प्रथम श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 37 वर्षीय बिंदी ने शुरुआत अपने राज्य कर्नाटक की तरफ से की थी। उन्होंने भारत की तरफ से 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 T20 मैच खेले हैं। उनके पिता रोजर बिन्नी भी भारत की तरफ से खेलते थे। बिन्नी बांग्लादेश के खिलाफ जून 2014 में ढाका में वनडे मैच में सिर्फ 4 रन देकर 6 विकेट लिए थे, जो रिकॉर्ड प्रदर्शन है। ठीक है, लास्ट खबर को देखते हैं कि क्या जिनका 100 नंबर से कम आया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, इसका जवाब होगा यस, बिल्कुल आपका एडमिशन होगा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में बीएड की जो सीटें हैं 2 लाख से ज़्यादा हैं, 2 लाख से ज़्यादा हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाकर। ठीक है, और इसमें रैंक जाती है 4 से 5 लाख तक जाती है। देखिए सभी लोग तो एडमिशन लेते नहीं हैं, अगर आपकी 3 से 4 लाख भी रैंक है तब भी आपका एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन काफ़ी सारे लोग पूछा करते हैं, जैसे हम काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो क्या हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा कि नहीं होगा। देखिए सीटें अगर बचती हैं तभी आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन में एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पहले काउंसलिंग करवा के ट्राई कर लीजिए, उसी में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो बेहतर है, नहीं तो डायरेक्ट में आपको जो है इधर उधर भटकना पड़ेगा। अगर सीटें नहीं खाली रहती हैं तो आपको दूर भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो 100 नंबर से जिनका भी नंबर कम है उनको जरूर मिलेगा। ठीक है, मान के चलिए कि 3रे से 4थे राउंड में आप लोगों को बुलाया जाएगा, जैसे ही शेड्यूल आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी और मॉर्निंग में जो है आपको एजुकेशनल न्यूज मिलती रहेगी। थैंक यू, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं।